हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। ...2016 में इस रूट से आया था। हमारा एक साथी दो दिन पहले निकला था। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मंकू। ये हो रहा है यहाँ पर संगम। बस कुछ नजारा ऐसा दिखाई दिया कि रुकना ही पड़ा। ठंड इतनी है जेजीबी के बच्चे। कभी ऐसे भी लेके चलना पड़ता है किसी किसी को। चल लेंगा। ये केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे भाइयों। यहाँ एक छोटी सी ट्रेजडी हो गई है। सारी बर्फ है, अगर कोई चला ना इस पे। सभी भाइयों को दीपावली और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं केदारनाथ से। क्या हाल है भाइयों? रात के बज रहे 11। हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। आज है धनतेरस, दिवाली से दो दिन पहले। आज पूरी नाइट चलेंगे और पूरा दिन चलेंगे और पहुंचेंगे से तो सोनप्रयाग है। एक मैं हूँ, बस दो ही जा रहे हैं। अब दोनों पे बाइक है, होंडा एक्सब्लेड। अब अपने पुराने हाईवे पे आ गए हैं। एक छोटा सा ढाबा मिला, चाय पी के फिर आगे को चलेंगे। दो बज चुके हैं और सिर्फ हम चले हैं अभी 65 किलोमीटर। अभी जाम ने पीछे पनीर पकौड़े और चाय पी, उसके बाद सीधा रुके आकर यहाँ पर। यहाँ से अब कोई हरिद्वार रह गया 60 किलोमीटर। यहाँ पे रुके, अब यहाँ पे लेंगे एक चाय। और भाइयों क्या ठंड हुई है, जैकेट भी निकालनी पड़ी है, अंदर और पहन रखा है। ये अपना लाइटर लगा रहा है जैकेट में। यहीं बैठेंगे थोड़ी देर आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बहुत जल्दी आगे पहुँच गए हैं, हरिद्वार बहुत पास रह गया है। कोई एक घंटे का सफ़र है और सुबह होने में भी पूरे क्या टाइम हुआ, 3 बजे? 3 बजे ना। हाँ तो फिर यहाँ से 1 घंटे बाद ही निकलेंगे। ठंड तो यहाँ है और टोल रोड हो गया समाप्त। ये भाई जो आगे जा रहा है ये भी दिल्ली से ही है, सोलो राइड है। ये जा रहा है सीधा बद्रीनाथ। चलते चलते बस वैसे ही रुक गए, कोई ये नहीं थके या चाय की दुकान देख के रुके है। बस मन कर गया, नजारे ऐसे, जगह ही ऐसी है, दोनों तरफ खेत है और एक पुल है बीच में और सनराइज हो रहा है। हरिद्वार को 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से। सूर्य देवता काफी ऊपर आ गए हैं। अभी पहुंच गए हैं हम हरिद्वार। इस तरफ ये सारा हरिद्वार है, लेफ्ट साइड में वो पर मंदिर दिखाई दे रहा हो तो मनसा देवी। पहुंच गए भाइयों गंगा किनारे। हर की पौड़ी तो नहीं गए क्योंकि घर पड़ी जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाइक भी साथ में आए अपने यहाँ तक। अब यहाँ मुँह हाथ धोएंगे, मुँह हाथ धो के यहाँ से सीधा निकलेंगे ऋषिकेश से होते हुए अपने केदारनाथ की तरफ। गंगा घाट पर स्नान करके यहाँ के रुके, अब चाय वाय पियेंगे। चाय पी के यहाँ से, चाय नहीं है, चाय सिर्फ चाय नहीं पियेंगे यार, कुछ खाने को भी ले। फिर थोड़ी देर बात करेंगे लंच सुबह में ही। ये कौन सा घाट है? स्वामी सर्वानंद घाट के पास बैठे हैं। पहले पता होता शायद यहाँ ही आते सीधा, पता नहीं था तो पीछे नहा धो नहाए तो भी नहीं है हम। हाथ में धोया बस हमने और बाइकों को नहला दिया। राजा जी नेशनल पार्क, ये सारी रेंज उसी की है और आगे का रोड बहुत ही प्यारा है। अभी हम ऋषिकेश से काफ़ी आगे आ गए हैं। 2016 में इस रूट से आया था और अब 2021 में आया हूँ। और मैं पहली बार आया, प्रवीण पहली बार आया इस रूट से। हम पिछले साल जो आए थे हम पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार होते हुए गए थे,
मगर 2016 में बहुत ही बुरा हाल था, अब तो बहुत बहुत अच्छे रोड है। मतलब ऐसे रोड है कि रात में भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहाड़ का कोई भरोसा नहीं है भाई, रात में मत आना। खा ले, स्मोकिंग छोड़ दे। वो जो सामने है वो है राम मंदिर, बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना। ये हो रहा है यहाँ पर संगम अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। तो भाई अभी हम है देवप्रयाग में, यहाँ खड़े हैं नदियों का संगम देख रहे होते हुए। अब यहाँ से आगे जाएंगे श्रीनगर के लिए। हम दो साथ हैं, हमारा एक साथी दो दिन पहले निकला था और दो दिन पहले निकल रहा है वापस। ये 30 को निकला हुआ है क्योंकि छुट्टी जल्दी ले ली थी, हमें पता नहीं थी। तो कोई बात नहीं, रास्ते में मिल गया, इतना ही बहुत है भाई। मजा आ गया केदारनाथ में, ऊपर फुल बर्फबारी हो रही है और आज और कल का टाइम है। अब जो आ गया, अब तो अगले साल ही दर्शन मिलेंगे। और मोदी के आने के टाइम शायद 5 तारीख को बंद होंगे ऊपर चढ़ना। पूरी तैयारी है उधर, पुलिस फोर्स इतनी पहुंच चुकी है, रास्ते में भी अभी दिखेगी। और पैक ले जाने वाले थे, शायद वो भी नहीं ले जाएंगे, साले कुछ और पकड़ के कभी करो दे काम। सफर बहुत बढ़िया जा रहा है, अभी हमें रुके हैं चाय वाय पीने के लिए। चाय पी के आगे को निकलेंगे, हमारा दोस्त वापस घर की तरफ जा रहा है क्योंकि वो 2 दिन हमसे आगे था। कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। मजे बहुत आ रहे हैं मगर थकान साथ में अब बढ़ रही है। देख रहा है अंकल क्या कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मंकू। ये क्या हाथ में बंदूक की गोली कहाँ है? तो लेके आना, दिवाली नहीं मना रहा? बन गई, बन गई, अब बड़ी दिवाली आएगी कल। ओ बड़ी दिवाली पे क्या फोड़ेगा, पटाखे दे दे इसको परवीन, 2-4 पटाखे इधर, पटाखे चाहिए बेटा। हम पे पटाखे पड़े, हम तो मिलेंगे नहीं फोड़ने को क्योंकि केदारनाथ में शायद एंट्री नहीं है, कुछ बच्चे को देके जाएंगे। पर पल्ली पार में कई जगह पर अब भी रोडों की हालत खराब है, कई जगह तो ऐसा है कि बिल्कुल किनारे से निकलना पड़ रहा है। गाड़ी जितनी जगह है, अगर 2 गाड़ी के साथ आ जाए तो दिक्कत हो जाए। कोई नहीं, अपनी तो बाइक है, ये तो निकल ही जाती है फिर भी कहीं से भी। बहुत बढ़िया स्पीड में चल रहे थे, बस कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई दिया कि रुकना ही पड़ा। और यहाँ साइड में बहती हुई मंदाकिनी नदी, एकदम नीला पानी, एकदम प्योर। दिखाऊं? बहुत ही खूबसूरत नजारे यार। हालत की हो जाती है, हालत ख़राब, हेलमेट पहन पहन के। और ये बंदा परेशान है, रात से जागा हुआ है। चाय का मजा लो, ठंड बहुत ज़बरदस्त है। पीछे के नज़ारे नहीं दिख रहे होंगे ऐसे, दुकान कैसे भी हो मगर उसके आसपास के नज़ारे। ये आ गया पराठा दाल और अचार। ये रोड ठीक होने में नहीं आ रहे, जब से स्पीड बिल्कुल मंदी हो गई है, पर न कब के पहुँच जाते। भाइयों पहुंच गए सोनप्रयाग, 2016 में जैसा देखा था फिर से वैसा ही माहौल है, बिल्कुल सजा हुआ है सारा। ठंड इतनी है, जय जी बी के बच्चे, ठंड इतनी है, कम से कम 6-7 बार चाय पी चुके हैं, फिर बनवा रहे हैं। रोटी तो खाएंगे मगर ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ की। खाना खाने निकले थे भाइयों, खाना खा लिया, ठंड यहाँ इतनी लग रही है, ऊपर जाने से डर लग रहा है कि वहाँ पर कितनी ठंड होगी। जो भी आ रहा है बस डरा के जा रहा है। यहाँ देखो क्या चमक रही है। अब जा रहे सोने, कल तेज आगे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब, और कल सुबह करेंगे 6 बजे चढ़ाई। तो भाइयों
सुबह के बज रहे 6, अभी हम सोनप्रयाग में ही, अब यहाँ से निकल रहे ट्रैकिंग के लिए। और मेरी तरफ से भाइयों हैप्पी दिवाली जो भी ये वीडियो देख रहा है। और ये हमारे साइड से बहती हुई कौन सी नदी है, मैं तो नाम भूल गई, मंदाकिनी। जीप में बैठ गए हैं, बहुत मारामारी हो रही है यहाँ, मतलब एकदम से भीड़ हुई है। मिल गई जिस तरह से, ये अपना हेमंत भाई, इसने एकदम जीप पकड़वाई है और न बाहर सूर्य पूरे में भीड़ है। यो पहुंच गए गौरीकुंड और हम 5 साथी है, साथ चल रहे। जो एक तो ये अपना भाई वंशज, एक हेमंत और एक ये तो है ही जो मेरे साथ ही रहता है ज्यादातर, एक भाई है योगेश, वो थोड़ा पीछे है। ये डंडे लिए, ये छोटी सी बच्ची डंडे बेच रही है। साल जब आए थे कोई भीड़ नहीं थी, इस बार देखो क्या हाल है। ये है घोड़ा पड़ाव, यहाँ से घोड़ों पे बैठा जाता है, रजिस्ट्रेशन नीचे होता है, अदरवाइज आगे जाके आप बार्गेनिंग करके परफेक्ट ले जा सकते हो अपने रेट पर घोड़े को। पिछले साल किया था मेरे एक दोस्त ने, मैंने नहीं। पिछले साल फिटनेस अच्छी थी इसलिए आराम से चढ़ गया, इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वजन बढ़ा लिया अच्छा खासा। अभी 2 किलोमीटर कुछ चले हैं और यहाँ पे आके रुक गए, एक छोटी सी चाय की दुकान है, थोड़ी चाय वाय पियेंगे आगे को जाएंगे। फिर ये पत्थर गिरने से हलवा इसका, इस शेड का ये भी वही जहाँ सुशांत सिंह राजपूत मिला था। तेरे को कहाँ मिल गया सुशांत सिंह राजपूत? अरे वही, कौन वो जहाँ खच्चर लिया था, आगे आने वाला है वो, कोई 50 या 100 मीटर है बस। अभी हम रामबाड़ से थोड़ा पहले बैठे हैं, यहाँ पराठे वराठे खा रहे हैं, 2 पराठे दिए, अब तक दोबारा आ नहीं रहे, मगर पराठे बहुत टेस्टी हैं। कभी कभी ऐसे भी लेके चलना पड़ता है किसी किसी को। चल लेंगे। अभी हम भीमबली पहुंचने वाले हैं, उसके बाद आया था रामबाड़ा, आगे भाई यही है भीमबली। यहाँ पर घोड़ों का भी पड़ाव है, यहाँ पर रेस्ट किया जाता है घोड़ों के लिए। भाई ये झरना बहुत ही खूबसूरत था इसलिए बिल्कुल पास ही आ गया, पानी इतना ठंडा है, थोड़ा सा पिया या पिया ही नहीं गया। ब्यूटी देखो यार, ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे देखो। यही है भाइयों रामबाड़ा, बस रामबाड़ा के नाम पे एक पुल रह गया है और कुछ नहीं है। बता दें यहाँ कभी होटल खाने पीने की कई दुकानें थी जो सब खत्म हो गई। भाई ओए पिया गिरवाओगे? ये है ट्रैकिंग, यहाँ से पता पड़ती है ट्रैकिंग कहते किसे हैं। आराम आराम से चलो, ना थकोगे ना सांस फूलेगी, और सामने लिखा भी है
धीरे धीरे रुक रुक कर चले, सांस नहीं फूलेगी। अभी रामबाड़ा से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, अब आगे निंचोली आएगा की जगह, वहाँ रुकेंगे। उससे आगे अपना बड़ी निंचोली है, फिर बेस कैंप पे, फिर केदारनाथ है। तीन भाई हमारे आगे हैं, हो सके वो रूम ले ले। आज इसने पूरी हिम्मत रखी है, मतलब साथ से ही चल रहे हैं। पिछले साल भी मैं इससे कह रहा था कि कर लेगा, मगर अपने आप से ही ड्रामे हो जाते हैं। जो चढ़ा था घोड़े से, कोई नहीं, मैं उसका दुख है इसलिए इस बार पूरा कर रहा है। ये केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे सो के। अभी हमें केदारनाथ से 5 किलोमीटर पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, एक दोस्त को थोड़ी दिक्कत हो रही है, मगर छोड़ सकते नहीं, लेकर ऊपर जाने हैं साथ में। थोड़ा लेट तो होंगे, आज रात भी हो सकती है। अभी यहाँ से केदारनाथ है कोई सिर्फ 4 किलोमीटर। अब हमें क्योंकि शॉर्ट लेने पड़ रहे बार बार, जल्दी पहुँचना है क्योंकि रूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम बता रहे जो ऊपर से उतर रहे नीचे को। सामने नज़ारा देखो भाई, ये केदारनाथ का। केदारनाथ तो अभी दूर है, जो पीछे पहाड़ है। भाइयों, यहाँ एक छोटी सी ट्रेजडी हो गई है। यहाँ पुलिस वाले ने रोक दिया 3.5 किलोमीटर पहले केदारनाथ जाने से, कि ऊपर बिल्कुल भीड़ हो चुकी है, बिल्कुल जगह नहीं है। क्योंकि हमारे जो 3 बंदे ऊपर गए थे, उनका भी फ़ोन आया कि 4,000 रुपये रूम मांग रहे हैं, उसके बाद टेंट 1,000 रुपये में कोई देने को राजी नहीं है। हमें यहाँ पे 400 में मिला, 3.5 किलोमीटर सिर्फ हमसे केदारनाथ दूर है। सुबह यहाँ से निकलेंगे, और ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि ठीक था, अच्छा हुआ जो भी हुआ कि यहाँ फोन कमरा ले लिया। मगर एक दोस्त हमारे परवीन, उसका फ़ोन ही गायब हुआ, कैसे गिरा वो ही जाने। मुँह सुझा के लेटा पड़ा है, ना बात कर रहा है ना कुछ कह रहा है। तो अब मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि सारा डाटा खत्म। अब सोएंगे, ठंड जबरदस्त है। मिलेंगे कल, मतलब कि ठंड है अभी थंड। थोड़ी देर में मिलेंगे, सुबह बहुत जल्दी होगी। तो भाई क्या हाल है, रात को सोए थे यहीं पर, पीछे कैंप दिख रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त ठंड थी, बहुत ज़्यादा। अब पुलिस वालों ने रोक दिया ये बोल के कि ऊपर जगह नहीं है, परेशान हो गए सब, यहीं रुक जाओ। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है, तो मैं सही है कि यहीं रुक जाते हैं कि ऊपर जाके भी ठंड में परेशान हो, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड थी तो ऊपर तो पता नहीं क्या कहने होते ठंड के। अब उठे, अब भी बहुत ठंड है, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब चढ़ाई चालू करेंगे, चढ़ेंगे आराम आराम से ही, क्योंकि मोदी भी आ रहा है, शायद रोकेंगे पीछे लोगों को, जैसे पुलिस वालों ने रात को यहाँ बताया था कि कोई जल्दी मत करना सोट के भागने की। ठंड बहुत ज़्यादा है, होंठ फट गए हैं ठंड से, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये सारी बर्फ है, अगर कोई चला ना इस पे रेफ्रिजरेटर भी देख ले, गिर जाएगा आदमी, देख के चलियो। ब्लैक आइस है, हाँ। ये मेरे पीछे दिख रहा है, इसने कल रात खो दिया अपना फोन, मैंने बताया भी था कल। मूड खराब है, मगर फिर भी बाबा के दर्शन तो करने ही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, खुश है ना, खुश है, खुश है, बोल जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो भाई, खुश रहना चाहिए, झूठ बोल रहा, थोड़ा था दुखी था। अभी हमने छोड़ दिया है जो मेन रूट है उसको, यहाँ से जा रहे है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा शॉर्टकट है, मगर देख के थोड़ा डर लग रहा है कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। मेन रास्ता वो है उधर, वो गया। इस रूट पर हम बिल्कुल मंदाकिनी नदी के पास पहुंच जाएंगे, फिर वहां से ऊपर को चढ़ेंगे, जो कि थोड़ी टफ होने वाली है, थोड़ी नहीं बहुत टफ है, दूर से दिख रहा है। ये यहाँ से चढ़ने के बाद वो रास्ता जो ऊपर सीधा वहाँ पर जा रहा है। एक बात और भाइयों, बैग जितना हल्का रहे
उतना अच्छा रहता है। शुरुआत में पता नहीं पड़ती, मगर बाद में पता पड़ती है क्या गलती की है। आ गए उस पड़ाव पर जहाँ के बहुत ही सुकून मिलता है। आगे भाइयों धाम पर बहुत मशक्कत की, ठंड बहुत जबरदस्त थी, मगर बाबा की कृपा हो तो सब काम पूरे होते हैं। जय बाबा केदारनाथ। अभी लाइन कम हो गई है, किस्मत अच्छी है, दर्शन अभी कर लेंगे बाबा की कृपा से। लाइन में लगने जा रहा हूँ, अपने साथी लगे हुए हैं, सही लग गए, किस्मत होगी तो कल एक बार और दर्शन कर लेंगे। आगे मंदिर के पास बिल्कुल, जय केदारनाथ बाबा। यहाँ की खुशी अलग होती है। इसका मोबाइल खोआ था, सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई भाई, मोबाइल खोने का भी दुख खत्म हो गया। यही तो होता है, यहाँ के बात ही अलग है। कैमरा अलाउड नहीं है और करने भी नहीं चाहिए। आओ लाइव दर्शन करके जाओ। हर हर महादेव। दर्शन हमने कर लिए हैं, कोशिश करेंगे कल एक बार सवार हो जाए, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम सारे होटल बंद हो रहे हैं, सारे, कहीं पर कोई रूम्स नहीं है, दुकानें भी बंद हो रही है। प्रसाद जैसे तैसे मिल गया, हमने चढ़ा दिया। दोपहर के 3 बजे है और ठंड बढ़ती जा रही है, हाथ बिल्कुल सुन्न है, मगर भक्तों की भीड़ बढ़ी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि ठंड के मारे कोई भाग रहा हो, सब है यहाँ पर। मत वाले आते हैं और आएंगे और हमेशा आते रहेंगे, और ये मंदिर ऐसे ही रहेगा हमेशा। क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम, कल की ठंड, कल की ट्रैकिंग, जो भी अब भी यहाँ पे ठंड है भले ही, अलग ही मजा आ रहा है यार। मगर अब भीड़ आराम आराम से कम हो रही है, दर्शन कर रहे लोग जा रहे हैं, बहुत रुक भी रहे हैं, मगर रूम ही नहीं मिले, रुके कहाँ से, अलग ही प्रशासन है। अभी हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी और ठंड है बहुत। अभी जा रहे थोड़ा कमरे में, शाम को आएंगे, 7 बजे भी आरती होगी, शायद उस टाइम ठीक ठाक स्नोफॉल हो। ये भी कल की ही आइस पड़ी हुई है। भाइयों बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, रुक गए, कोई दिक्कत नहीं, रुकना था, आए इसलिए थे कि कल पाल के साथ जाएंगे, मगर थोड़ी देर रूम में आए हैं, रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर में शाम को फिर आरती पर जाएंगे। अभी 2 मैगी 2 चाय का ऑर्डर दिया है, हल्का फुल्का खाएंगे, आरती सुनने के बाद लेंगे डिनर, क्योंकि भूख सी भी लग रही है, लग भी नहीं रही है, नींद भी आ रही है, ठंड भी लग रही है, और ठंड जबरदस्त है, मगर ये बड़ा अलग लगा देख के, जो सोचा नहीं था कि एक दिन पहले ही पैकिंग होनी चालू हो जाती है पूरे केदारनाथ में। गेटों के आगे शेड लगाई जा रही है किलो से। ये अब शाम की आरती हो रही है 7 बजे की। सभी भाइयों को दीपावली और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं केदारनाथ से। बहुत ही मजा आ रहा केदारनाथ में, एक तो ठंड जबरदस्त है, मगर बर्फ नहीं पड़ रही, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही,
यहाँ ही रहो, मिलिट्री का अपना प्रोग्राम भी चल रहा है, खूब भीड़ है, बस थोड़ा कुछ खाने जा रहे हैं, फिर वापस यहीं आएंगे। अभी ये हाल है, इस टाइम सिर्फ एक ही दुकान खुली है केदारनाथ पर, तो उसके लिए लाइन देखो कितनी बड़ी लग रही है, जाना है लाइन में लग के खाना लेना है, भले पैसे दे रहे हो। अभी खाना खाया, वो भी लाइन में लग के, खा पी के अब जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि रात को उठना है 3 बजे। 3 बजे दर्शन होंगे मंदिर के, 5 बजे क्योंकि भस्म आरती होती है, उसके बाद सीधा पालकी उठती है। अभी सीधा रूम में आके रुके हैं, बाहर सच में बहुत ही ठंड है, कमरे में आके पता पड़ती है जैसे ही रजाई के अंदर घुसते हैं। मगर एक चीज़ बहुत बेकार लगी, जो लगा नहीं था ऐसा होगा, वो आने के बाद ही पता पड़ती है कहीं भी जाओगे। दिवाली के बाद अगले दिन ही पूरा ये केदारनाथ घाटी पैक होना चालू, जो मैं पहले ही बताई है। एक दुकान खुल रही है, कुछ होटल है चुनिंदा, जहाँ पे अपनी मनमानी करी जा रही है, मतलब रेट को लेके। हो सकता है शायद हर साल ऐसा ही होता हो या इस बार ऐसा हो रहा, हमें तो पता नहीं, कोई भाई बुरा मत मानना इस बात को लेके, मगर दिवाली के टाइम पे सोच समझ के आना, क्योंकि बहुत किल्लत है प्लस ठंड है, अगर रूम ना मिले टाइम पे। बस भाइयों मिलेंगे कल, सोने का टाइम है, मगर उठा देंगे हमें 3 बजे ही, 3 बजे मंदिर खुल जाएगा, मंदिर तो 2 बजे खुल जाएगा, और सुबह 7 बजे चल देगी यहाँ से पालकी, जिसके साथ हमें भी उतरना है नीचे। के भाइयों गुड नाइट, मजे करो, थक भी गए मजा भी बहुत आया, सजा ना मिले तो मजा कैसा। पानी भर, पानी, क्या बर्फ जम रही है यार, इससे पता पड़ती है ठंड कितनी थी यहाँ।